अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ाद शहबाज़ खान। PP 168 में हम इस वक्त मौजूद हैं और आपको याद होगा कि इससे पहले PP 167 में कंट्रोवर्सीज कुछ सामने आई थी। अब यहाँ हालात क्या बने और मलिक नवाज़ अवान साहब क्या इस पर कहते हैं वो आपको बताते हैं, और यहाँ के मजमूई हालात क्या बने, हल्के का सर्वे क्या कहता है, कौन सी पार्टी ऊपर है, किस पार्टी का यहाँ पलड़ा भारी है, वो भी आपको साथ दिखाते हैं। हमारे साथ रही मलिक नवाज़ अवान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मलिक साहब, क्या हुआ, क्या ये एग्जैक्टली क्या वाकया कल पेश आया? अच्छा, पहली बात तो ये है कि हमारी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, ये 1000% सबको पता है। इन्होंने खुद ही प्रोग्राम बनाया हुआ था। प्रोग्राम इनका क्या था कि पुलिस के साथ आम लोग जो मेरे वर्कर हैं ना, ये लड़ पड़ेंगे, कुछ झगड़ा करेंगे, किसी की वर्दी फाड़ देंगे और उसके ऊपर हमारे ऊपर वो तगड़े पर्चे देंगे। इसका प्लान क्या तैयार किया उन्होंने, अब प्लान भी बड़े मासूमाना तैयार करती है हमारी पुलिस, माशाल्लाह। जब बनाते हैं ना तो एक मिनट में बना लेते हैं, उनको ये भी नहीं पता था कि टाइमिंग भी देखनी है। कह रहे हैं कि 9:36 पर एक कॉल हुई है जी, यहाँ पर बंदे एक को किसी ने थप्पड़ मारा है तो उसने कॉल किया 15 पे। मैंने कहा अब क्या टाइम हो गया, अब कह रहे हैं जी 12:30 हो गए हैं। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा आपको पता है मैं कितने बजे यहाँ पे आया हूँ? कहते नहीं। मैंने कहा आधा घंटा पहले मैं यहाँ पे आया हूँ, तो कॉल आपकी इतने बजे हुई है, तो गार्ड मेरे आप पकड़ रहे हैं आके। तो फिर कहते जी नहीं जी वो कॉल हुई है, हम तो कॉल पे आने में आना ही आना है। तो मैंने कहा कॉल पे इतनी फोर्स लेके आनी थी? ये 3 SHO हैं जो मुख्तलिफ थानों के हैं, इसके मुतलका एरिया के थानों के SHO नहीं हैं, वो दूसरे थानों के हैं जिसका एरिया ही नहीं लगता। 3 SHO, 7, 12, 13, 14, 15 के करीब पुलिस वाले और DSP साहब जनाब फुल जलाल में, ये जिस तरह से आज हमने पब्लिक को खा जाना है उसके अंदर इतना तकब्बर था, इतनी रौनियत थी कि वो कह रहा था कि आज तो मेरे सामने कोई चीज़ रुकने वाली नहीं है, मैं इनको सब चीज़ों को नीचे लुटा दूंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये लोगों को सबको, उस वक्त की वीडियो मौजूद है, मैंने सबको मना किया। मैंने कहा किसी ने इनके साथ बात नहीं करनी, किसी ने कोई नारा नहीं लगाना, आप पीछे हट जाएं, इनका और मेरा काम है। जब पुलिस आएगी ना तो उसको फेस करना, मेरा काम है, आपका नहीं है। तो फिर मैंने बड़े अच्छे तरीके से उनको टैकल किया, ठीक है, जो वो चाह रहे थे वैसे नहीं हुआ। मेरा एक अजीज़ था, उनका एक गनमैन था, उसको बाहर से उठा के ले गए, हाल का जो मालिक था उसको ले गए। वो मेरा दफ्तर है, वो मेरा कंपेन ऑफिस है, वो मैंने किराए पे नहीं लिया था कि एक दिन के प्रोग्राम के लिए लिया था, वो मेरा ऑफिस है। अब मेरा ये ऑफिस है, अंदर से अगर पुलिस आके यहाँ से किसी बंदे को खींच के लेके जाती है, पूछती नहीं है, कोई बात नहीं है, तो ये ज्यादती है, ये जुल्म है। लोगों के सामने क्या मैसेज दे रहे थे लोगों को कि लोग डर जाएँ, खौफ व हरास फैल जाए, और लोग कहें कि जनाब इनके कैंडिडेट को तो हम गनमैन भी उठा के ले गए हैं, वो कुछ नहीं कर सका, तो लोग चुप कर जाएंगे। और फिर ये तो रात का वाकया हो गया ना, उसके बाद इन्होंने क्या किया है, जाके 15-16 के करीब वो नामजद लोग हैं जिनके FIR दे दिए, और 150 के करीब नामालूम बंदों पे FIR दे दिए, जिसमें कहा गया कि इन्होंने हवाई फायरिंग की है, ठीक है, और पुलिस के जनाब ये गले पड़ गए हैं, इन्होंने पुलिस के साथ बड़ी ज्यादती की है, और पुलिस जनाब अब स्टेट बिल्कुल एक साइड पर मासूम बन गई है, और हम जिन्होंने इनकी सब बातें बर्दाश्त की हैं वहाँ पर इनको टच तक नहीं किया, वीडियो मौजूद है, उनके ऊपर उन्होंने FIR दे दी है। और अब क्या तरीकाकार है कि वो जो 150 बंदा नामालूम है, इनका प्रोग्राम ये है कि हम जिसको चाहेंगे वहाँ पर उठा के ले आएंगे, जो कंप्लेन करेगा हम उसको पकड़ के थाने में ले आएंगे, क्योंकि पहले दिन से ये लगे हुए हैं, 20 पर्चे हुए हैं यहाँ पर लोगों के ऊपर। किसी के ऊपर क्या है जी, फ्लैक्स फाड़ दी, ये पर्चा दे दिया। दूसरे के ऊपर जनाब पर्चा दे दिया कि इसने ये हवाई फायरिंग की है। मैंने कहा इसका मदई कौन है? कहते जी पुलिस, ठीक है। तीसरे के ऊपर ये दे दी कि ये यार जनाब यहाँ पे इसने मोहल्ले में गालियाँ बहुत दी हैं किसी को, इसलिए इसके पर्चा दे दिया। फिर बंदों को ले गए हैं जाके SHO ने, 3-3 बंदों को बिठाया है, और बिठाने के बाद उसको कहा, जब वो बेचारा कहा कि मुझे क्यों इसलिए बिठाया, तो उसको बोला है कि अगर तुम चाहते हो ना कि घर जाना है तो वोट नून लीग को डालना है, ठीक है, अगर नून लीग को वोट डालोगे तो तुम आराम से घर रहोगे, अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें उठा के फिर ले आऊँगा। यहाँ तक लोगों को किया है। कल मुझे एक लड़का मिला है, वो बेचारा बड़ा अच्छा पढ़ी लिखी फैमिली थी, उसने कहा जी भाईजान मेरे भाई को उठा के ले गए हैं, तो उसको जाके उन्होंने कहा है कि वोट नून लीग को डालना है, तो उसने ये कह दिया आगे से जी ये तो मेरा अमान है कि मैं जिधर मेरा ज़मीर कहेगा मैं उधर डालूंगा, ये मेरे अमान का हिस्सा है कि मैं जिधर चाहूँगा मैं वोट डालूंगा। तो उसने कहा तेरे अमान की ऐसी की तैसी, तो जो हम कह रहे हैं नून लीग को वोट डालना कि जूते मारें, तो कहते चुप करके आ गए हैं, लेकिन कहते हमने कसम खाई है कि उस दिन से पहले शायद हम वोट डालने जाते या ना जाते, अब हम जाएंगे भी और दूसरों का भी वोट डलवाएंगे। ये खुद ही इन्होंने अपनी तबाही की है। अब लोगों के अंदर एक गुस्सा है, इस तरह से नहीं होता। हम कोई इमरान खान ने ठीक कहा, इमरान खान ने, कि हम कोई गुलाम हैं,
ये तो इस तरह से यहाँ पे सलूक किया जा रहा है जैसे ये पूरे हलके के लोग गुलाम हैं इनके। जिसको फ़ोन करेंगे वो वोट देगा, नहीं देगा उसको जूते मारेंगे, उसको पुलिस उठा के ले जाएगी। यार ये ज़मीर की आवाज़ नहीं है, किसी को ये इख्तियार नहीं है कि वो अपना वोट अपनी मर्ज़ी से कास्ट करे। हमने किसी को कॉल की है, हमने किसी को थ्रेट किया है, हम डोर टू डोर गए हैं जाके लोगों को अपना मैसेज दिया है। अब उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो जिसको चाहे वोट दे। ये थ्रेट कर रहे हैं, लोगों पर ज़्यादती कर रहे हैं, ज़बरदस्ती वोट डलवा रहे हैं और शो कर रहे हैं कि ये हलका सारे का सारा गुलाम है। अगर ये इन्होंने ये मैसेज दे दिया ना लोगों को ये हलका गुलाम है, तो हलके की पूरी आवाम भी गैरतमंद है। अब वो खड़ी हो गई है, उन्होंने कहा हमारी इज्जत पहले भी बेच दी गई है, अब हमें गुलाम समझा जा रहा है, अब हमें थ्रेट किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह अब पूरे हलके ने ये फैसला कर लिया है कि हम मर तो सकते हैं, कभी भी नहीं झुकेंगे और इंशाल्लाह वोट कास्ट करने के लिए सारे लोग निकलेंगे, उस दिन कोई नहीं इनको रोक सकेगा। तीन चार मुझे जो अफवाहें हैं वो आप फिर बताएंगे कि ये अफवाह ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है। क्योंकि हम जब सर्वेज करते हैं तो बहुत सारे लोग कुछ बातें तवातर से करते हैं। आपके बारे में तासुर ये है कि जो आपके मद्दे मुकाबिल हैं असद खोकर साहब, आप उनके पार्टनर भी हैं, ये दुरुस्त बात है? अजी बात सुन लें जी, पहली बात तो मैं उसका कोई पार्टनर नहीं हूँ, ठीक है? ये बहुत बड़ा झूठ है, ये उसका अपना बयानिया है, वो उसका प्रोपोगंडा है, जिसको वो लोग जो उसके फॉलोअर हैं वो इस बयानिए को, इस प्रोपोगंडे को हवा दे रहे हैं। यानी आपका कोई बिजनेस इकट्ठा नहीं? वो हवा दे रहे हैं इसको, और वो पहले दिन से स्टार्ट है, और अब इसमें कोई जान नहीं रही, वो ख़त्म हो चुका बयानिया। दूसरी फवा ये कि आपको टिकट लेके देने में हाफिज़ फरद साहब ने रोल प्ले किया? बिल्कुल नहीं, कोई हाफिज़ फरद साहब का रोल नहीं है टिकट देने में। खान साहब से मैं खुद मिला हूँ, ठीक है, हमारा यहाँ पर इंटरव्यू हुआ है, पूरी लाहौर की तंजीम मेरे पास आई है, घर में आए हैं ये लोग, ठीक है, आके मुझे इन्होंने कहा कि ये वाला इलेक्शन आपने लड़ना है। मैंने कहा यार मुझे रहने दें, क्या इलेक्शन करना है? एक लाइन और साथ ले लें आप, फिर एक्सप्लेन कर सकें पूरा। क्योंकि हाफिज़ फरद साहब का 2013 का सारा इलेक्शन स्पॉन्सर्ड था वो खोकर साहब की तरफ से, और फिर वो कंपेन 18 में खोकर साहब ही की करते रहे, 18 में उन्हें टिकट ना मिली। अभी सुन लें जी, पहली बात तो 2013 का जो इलेक्शन था ना, बिल्कुल कोई स्पॉन्सर नहीं था खोकर साहब की तरफ से, को बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वहाँ पे उस वक्त ये पीटीआई में आए थे तो सारे ही कंपेन कर रहे थे, ठीक है, मैं भी कर रहा था और बहुत सारे दोस्त कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने स्पॉन्सर्ड कर दिया था सारे का सारा उनका इलेक्शन, ये बात गलत है, ठीक है। हाफिज़ फरद ने नहीं, ये लाहौर की तंजीम मियां महमूद रशीद, शेख इम्तियाज और ज़ुबैर खान न्याजी और दूसरे दोस्त मेरे पास आए हैं, इन्होंने आके मुझे कहा कि आपने ये इलेक्शन लड़ना है। फिर यहाँ से जब शॉर्ट लिस्ट हुए हैं तो नंबर 1 पे मेरा नाम लिखा है इन्होंने इंटरव्यू के बाद। फिर खान साहब को बताया गया कि इस हलके के अंदर नवाज़ अवान की बरदरी ज़्यादा है, नवाज़ अवान को यहाँ पर ज़्यादा लोग जानते हैं, तो ये बेहतरीन कैंडिडेट होगा। तो ये जब ये कहा गया तो फिर खान साहब ने इंटरव्यू किया है, जब जितने हम टिकट होल्डर थे। एक बात और मुझे समझ नहीं है, पीटीआई के जितने मैं लोगों से मिला हूँ, पीटीआई के आपके अपने वो अहदेदारान हों बाकी लोग हों, वो कहते हैं कि हमारा तरफ से मलिक साहब जो हैं ये बहुत तगड़े उम्मीदवार नहीं हैं। पार्टी के अंदर क्यों कंसेंसस नहीं है आप पे, मैं वजह जानना चाह रहा हूँ, इसकी क्या वजह? अब जो इस तरह से मैंने आपको पहले बताया है कि ये असद खोकर साहब का बयानिया है, ठीक है, क्योंकि वो पीटीआई में थे, और जब वो पीटीआई में थे ना तो बहुत सारे लोग थे जो उनके साथ रबते में थे, और आज भी वो चंद मुनाफिकीन इधर ही मौजूद हैं। मैं उनको मुनाफिक कहूँगा क्योंकि इस वक्त मेरा जीतना या उनका हारना ये ज़रूरी नहीं है, इस वक्त हमारे मुल्क की इज्जत का सवाल है, हम मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, और इस वक्त जो इस तरह का फितना परवरी कर रहे हैं ना वो मुनाफिकीन है, और वो उसी के बयानियों को हवा दे रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो भी ख़त्म हो चुका है, अब उनको पता चल गया, अब वो हमारी सफ़ों के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अमान ले आए हैं। वो कह रहे थे कि हम गंदे नाले में चले गए थे, लेकिन हम नहर में आके अपने आप को साफ़ कर लिया है। उनका अब बयानियाँ दम तोड़ चुका है, इन चीज़ों में अब कोई हकीकत नहीं रही, सब कुछ पता चल गया है कि मैं किस तरह का कैंडिडेट हूँ। ये मुझे क्या पूछना है, उनसे पूछें, अगर मैं तगड़ा कैंडिडेट नहीं हूँ तो इसको क्या ज़रूरत पड़ी है शादी हाल के अंदर इस तरह से पुलिस भेजे, अगर मैं तगड़ा कैंडिडेट नहीं हूँ तो क्या ज़रूरत पड़ी है कि ये छोटे छोटे पर्चे कराए, अगर मैं तगड़ा कैंडिडेट नहीं हूँ तो इसको क्या ज़रूरत पड़ी है मेरी डेली से फ्लैक्सियाँ तारे और पीएचए की गाड़ियाँ आएँ और डेली फ्लैक्सियाँ तार तार के लेके जा रही हैं, हमारे पास वीडियो मौजूद हैं। क्यों कर रहा है इस तरह से, क्यों लोगों को तशद्दुद कर रहा है, क्यों पुलिस इन्वॉल्वमेंट कर रही है, आराम से जीत जाए, मज़े से घर बैठा रहे, मैं तो कमज़ोर कैंडिडेट हूँ। अब आपको लेके चलते हैं PP 168, वहाँ के हालात हैं वो भी देखें। वोट इसी हल्के का जी? बड़ी आइसक्रीमें खा रहे हो भाई, क्या चक्कर है? आप भी खा लें। नहीं बहुत शुक्रिया, चक्कर क्या है भाई? वोट किसका? शेर का। हल्का यही है आपका वोट बना है? हाँ जी। हल्का यही है? हाँ जी, शेर का। शेर का वोट
को डालना यार, बल्ले को डालूंगा वोट। आपका वोट इसी हल्के का? हाँ जी। वोट बल्ले का? हाँ जी। तय कर लिया? लादा शुरू से ये क्या देना होता? तय कर लिया? हाँ जी। बहुत शुक्रिया। लेले वाले भाई कितने का लिया भाई? 40,000। वो इतना महंगा ले लिया, वोट किसका? लब्बाई का। लब्बाई का है ना वोट इसी हल्के का? हाँ जी। आपका वोट आई साहब? तहरीक लब्बाई को। लब्बाई का वोट जी। आप इसी हल्के से हैं? शुक्र अल्लाह का। हल्का यही बनता है? हल्का यही बनता है। वोट किसका? इमरान खान। खान साहब का वोट जी। वोट किसका भाई? वोट पीटीआई का। इसी हल्के से हैं? जी जी। 168 से? 168। 168। और जनाब चाय पानी? भाई साहब वोट किसका? शेर का। शेर का वोट? हल्का यही है? यही है। हल्का यही है वोट शेर का? वोट इंशाल्लाह शेर दे। हल्का कौन सा है? यही है। यही है शेर का वोट जी। माँ जी वोट किसका? शेर का कह गई है। हल्का पूछने का टाइम नहीं मिला। वोट किसका? नवाज शरीफ साहब का वोट। वाह मशीन खराब हो गई तो वोट नून का मशीन गिर जाएगी इनकी भाई। वोट किसका? शेर जिंदाबाद है जी। हल्का भी यही है? हाँ हल्का ही। आपका? शेर का वोट है। हल्का यही बनता है आपका? यही बनता है। बहुत शुक्रिया। हल्का? हल्का यही है। तो वोट करेन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। लब्बैक का जी। वोट किसका? ठहर जाए जरा साइकिल वाला भाई। ये गरीब आम का जज्बा जड़ा शेर का ही है। तो आपका हल्का यही है? यही है। हल्का भी यही है वोट भी शेर का? वोट किसका? शेर का। तो हल्का यही है? हाँ शेर का ही है। ठीक है ठीक है। वोट किसका? पीटीआई। पीटीआई का वोट? हल्का यही बनता है? बिल्कुल हल्का यही। वोट किसका? पीटीआई का। तो हल्का? हल्का यही है? यही हल्का है। यही हल्का है जी। वोट जी पीटीआई। हल्का यही है? हाँ जी हल्का यही है वोट पीटीआई। वोट किसका भाई? पीटीआई का ही। तो हल्का कौन सा है? हमारा बैंकस्टाफ। हल्का नहीं बता के गए मेरा ख्याल है। वोट किसका? पीटीआई। पीटीआई। हल्का कौन सा बनता है? हल्का 141। ये 168 नहीं है? नहीं नहीं हमारा नश्तर का बन रहा है। नश्तर का कौन सा है? निश्तर आता है इसमें? निश्तर तो आता है ना 168 में भाई। हाँ वही है। ठीक है तो वोट फिर किसका? पीटीआई। पीटीआई का वोट। वोट किसका? वोट शेर का है। हल्का कौन सा है? हल्का 168 है। यही है। वोट किसका? शेर। हल्का यही है? यही हल्का है वोट शेर का। सूरत हाल आपके सामने 168। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वोट किसका? इमरान खान है सर। तो हल्का कौन सा है? यही वाला। तो अंदर कौन कौन से अपने हल्के के बैठे हैं इसके? ये सर बैठे हुए सारे हल्के के ही। सारे हल्के के? हाँ जी। पीछे हो जा भाई। वोट किसका? शेर का। हल्का कौन सा है? हल्का ही तो नहीं पता है। यही हल्का है भाई। आपका हल्का कौन सा है? आपका बना वोट? नहीं बना। वोट आपका? नहीं बना। वोट बना आपका? नहीं बना जी। वोट आई साहब किसका? वोट किसी का भी नहीं। भाई साहब ये क्या बातें कर रहे हैं? दिल दुखाने की बात करते हो सर। ये हमारा सारा दिल दुखा रहे हैं, हम इनका दुखा रहे हैं। आप उनका दिल दुखाएंगे वो आपका दिखाएंगे। बस तो ये फिर अपना आप जमहूरियत की मजबूती के लिए कुछ नहीं करेंगे? जमहूरियत वो आपकी खिदमत नहीं कर रहे आपके बकौल? जमहूरियत है कहाँ? कहाँ है जमहूरियत? हाँ बहुत अच्छा सवाल है। जमहूरियत हमें नजर आए जमहूर तो हम एक लफ्ज लाइन पे तो लाखों शोज हो सकते हैं। बस कहाँ है भाई आप? हम है ना जमहूर तो हम है। जमहूर कहाँ है? हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। जमहूर की आवाज कहाँ है ना? हाँ, अब वोट कोई नहीं। वो कोई बंदा आएगा ठोड़ी को हाथ लगाएगा चाचा प्यार से ना भाई थोड़े से पैसे मुट्ठी में डालेगा ना ये हराम है बस। ये पक्की बात है? आज तक नहीं। बहुत खूबसूरत बात। हाँ जी बहुत प्यारी बात। भाई साहब वोट किसका? वोट शेर का जी। तो आपका हल्का भी यही है? हल्का भी यही है। भाई साहब वोट किसका? शेर का। तो हल्का कौन सा है आपका? 168 से हैं या बाहर से हैं कहीं? 168। 168 से जी। शेर का वोट। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। सेहत कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे हो गए आप पहले से ज्यादा। तो किसको वोट? मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग का? हाँ। हल्का भी यही है? हल्का भी है। हल्का यही है भाई। वोट भी नून का शेर का। किस तरह मिले केले आपको? केले 120। 120 और हल्का भी यही है? यही को आपने केले खरीदे आज। थैंक यू सो मच। वोट आपका इसी हल्के का? जी जी। मुझे क्रिकेटर लग रहे हैं सारे। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आपका वोट इधर का? हां जी इधर का। आपका हल्का भी यही है? यही है। किसे देना है वोट? भाई हैं। वोट किसे देना है? नून लीग को। आपका? पीटीआई को। आपका? नून लीग। ये दो तीन दो और नस्बत एक। ये पीटीआई दो नून।
इसको पकड़ के मारेंगे अगर ये पीटीआई को देगा। नहीं निकलने देना इमरान खान भाई, अपनी अपनी चॉइस है, जबरदस्ती नहीं हो सकती भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, आप ठीक हैं? मैंने गुनों के लगाए यार, इस तरह ज्यादा प्यारे लगेंगे आप। नहीं ऐसे ठीक, इस तरह ही प्यारे हैं। वोट किसका? इमरान खान का है। तो हल्का कौन सा है? हल्का ऐसे ये नहीं है, वोट इमरान खान का। कैंसिल हो गया, हल्का ये नहीं है। तो किसे देना है? शेर को। शेर का वोट। आपका वोट? इसी हल्के का। किसको देना है? शेर को। शेर का वोट। बर्फ में लगे हुए हैं आप तो। हाँ जी, वोट इसी हल्के का? नहीं जी सर, नहीं है वोट भाई, नहीं है। आपका वोट इसी हल्के का? वाल्टन का हमारा। वाल्टन का वोट। वोट इसी हल्के का आपका? चुंगी पे बना। तो किसको वोट देना है? वोट देंगे पीटीआई को। पीटीआई का वोट। आपका वोट जी? शेर को। हल्का यही है? यही है हल्का, यही है शेर का वोट। वोट असी अल्लाह दे हुक्म नाल उस बंदे नूं देंगे जिहड़ा मुल्क दे टका के महंगाई करे। महंगाई बोधी करेगा ना। हाँ जी, आम बंदे दे वस दा काम नहीं है मुल्क चलाना। वोट उन्हूं देंगे जिहड़ा टका के महंगाई करे और वो हकदार होगा। आपका वोट फिर नून का पीटीआई का? साडा वोट जिहड़ा है ना अल्लाह तआला दी ज़ात दा सी और हुण भी ओदा ही है अल्लाह दे हुक्म नाल, लेकिन इन्हां साडे हुक्मरानां ने ना सानू साह लेना भी औखा कर। आपकी इतनी हिकमत वाली बातें हैं। हाँ जी, मेरे सुनने वाले देखने वाले जो हाँ चैनल पे दोस्त हैं, व्यूअर्स हैं, आवाम हैं, उन्हें नहीं समझ आई। आसान कर दे थोड़ी। आसान बात ये कर देते कि भाईजान इस महंगाई के हाथों लोग जो है ना खुदकुशियां करने पे। आप वोट नहीं फिर देने जाएंगे? वोट देने जाएंगे। किसको देंगे? जो हकदार होगा उसको दे। कौन है हकदार? दे देंगे। इस वक्त जो बंदा हमें नजर आ रहा है ना, कौन इलाके में काम कर रहा है? कौन वो काम कर रहा है? नवाज खोखर। हाँ जी, मलिक नवाज अवान। अरशद खोखर कर रहा है। अच्छा, वो हकदार है उसको दे देंगे, जो बंदा नजर आ रहा है उसको देंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अरशद खोखर साहब का वोट? बिल्कुल बिल्कुल। वोट किसका? मेरा वोट है नहीं। शाबाश, वोट ही नहीं है। वोट किसका ही साहब? इमरान खान। खान साहब का वोट जी। वोट किसका? भाईजान पीटीआई जिंदाबाद। इसी हलके का वोट? इसी हलके का वोट। पीटीआई का वोट। पीटीआई का वोट। वोट किसका? शेर का। इसी हलके से हैं? हाँ जी इंशाल्लाह। इतने प्यारे मासूम बच्चों को रिस्की बना देते हैं आप, बाइक पे इस तरह ना बिठाया करें, ये गलत है। वोट बाजी किसको देना है? शेर को। हलका यही बनता है जी? शेर का वोट। वोट नून लीग असद अली खोखर। वोट नून लीग। वोट नून लीग। वोट ओनली पीटीआई। हल्का यही है? यस बिल्कुल बिल्कुल यस। वोट 168 से पीपी 168 किसे देंगे? असी ते मौलवियां नूं देने ने वोट। लबैक को। हां जी। अब रुख कर रहे हैं पीपी 158 का, वहाँ की आपको सूरत दिखाते हैं। पीपी 158 में किस पार्टी का पलड़ा भारी है, कौन सी पार्टी जो है वो नीचे है, कौन सी पार्टी उस पर जो है वो अपना वोटों के हिसाब से बहुत बेहतर है। 158 आपको टिकट लेके देने में मियां साहब का कोई मियां साहब का कोई इंतजार? खान साहब ने इंटरव्यू करके मेरिट पे टिकट दिया। अगर टिकट देना होता तो इंटरव्यू के लिए ना बुलाते। दो दो बोर्ड बने, दो दो बोर्डों में उन्होंने मुझे टॉप पे रखा कि मेरी सर्विसेज और काविशों को देखते हुए। मेरे यहाँ पर मेरे वालिद साहब भी रहे हैं एमएनए, मेरे वालिद साहब भी यहाँ पर एमएनए रहे हैं, पोस्टर रहे हैं इसी हल्के में। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक जान पहचान है। आप ये कह रहे हैं कि आपको टिकट मिलने में मियां महमूद रशीद साहब का कोई किसी तरह का रोल नहीं? जी बिल्कुल। आपको आपके वालिद साहब की लेगेसी की वजह से? मेरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की वर्करशिप के हवाले से टिकट मिला है मुझे, और जो जो मैंने वर्क किया है एज अ वर्कर उसकी वजह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने, इमरान खान ने इंटरव्यू करके टिकट के दो दो बोर्डों के बाद मैं गुजरा। साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर आप खुदा ना खास्ता आपके चेहरे पे, तो मैं नहीं कह सकता कैंडिडेट के चेहरे पे कि तुम हार जाओ या जीत जाओ, अगर इफ वर्स्ट केस सिनेरियो बनता है तो फिर भी आप कह रहे हैं कि महमूद रशीद साहब की सियासत को कोई उनका अपना कोई भाईजान उनका यहाँ पे वो इलेक्शन में ना उनका आपको तस्वीर नजर आ रही होगी। आपको पता है ये इलेक्शन इसलिए भी अहम हो गया कि पंजाब की सियासत का फैसला लगता है कि आपको ये किसी पेड़ है। आपने सवाल जो है ना किसी ने आपको फीड करके भिजवाया गया। ये फीड क्या है मुझे क्या पता। आपने मियां साहब का नाम ले रहे भाईजान, आप 158 की बात कर रहे हैं। आप मियां साहब आपके ससुर नहीं है? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह है। एक सियासतदान नहीं है? बिल्कुल है। अपोजिशन लीडर नहीं रहे पंजाब के? भी लीडर हर हलके में काम कर रहे हैं। आप ससुर को डिसोन कर रहे हैं? क्यों मैं कह रहा हूँ मेरे मैं ससुर आपके का नाम लूँ तो ये पेड़ हो गया जान, हल्के फीड हो गया। हल्के की बात करें, टिकट जो मुझे मिली इमरान खान साहब ने दी। इस सियासत में आप ये देखेंगे आपके वजीर आला का चुनाव इन 20 सीटों के बाद होने वाला है, तो
कितना अहम है ये, तो ये सारे फैक्टर माइनस कर दें। क्यों माइनस कर दें? आपके आपकी सियासत में स्पोर्टिंग रोल है, आपकी सियासत में सपोर्ट उनकी मेरे साथ है, किसी की नहीं है। तो आपकी सियासत में आपके ससुर को गिनने से आगे नहीं के मसलन मैं सवाल करते हुए अपना हल्का है, मसलन मैं आपसे सवाल करते हुए उनकी सवाल करते हुए उनकी अपनी जो ना लेगेसी आपसे सवाल करते हुए आपके ससुर को फरामोश करके सवाल करूं? क्यों फिर ये फीट नहीं है ये मियां करम उस्मान का सवाल अपना, अगर उनको मैं साथ मिला के सवाल करूं तो फीट है? भाईजान आप बार बार ये सवाल कर रहे हैं, आप मुझसे मेरे और हल्के के बारे में सवाल तो बता रहे हैं, तो फिर और क्यों पूछ रहे हैं मेरा? वो तो मैं बता रहे हैं, इमरान खान साहब ने इंटरव्यू करके दो हल्के, आप इसकी हल्के की बात करें, बाबा मियां साहब को लेकर आ रहे हैं, सुसर की बात ना करो। क्यों करें आप करें, वो कैंपेन कर रहे हैं, पूरी लॉन्च कर रहे हैं, उनकी बेस पे आपकी कैंपेन चल रही है, मैं उनकी बात ना करूं। बेस पे नहीं चल रही, इमरान खान बल्ले की बेस पे कैंपेन चल रही है भाईजान। तो लोकल जो आपके फैक्टर्स हैं ये सारे इस वक्त क्या है आपके साथ जो खड़े हैं? सपोर्टर है ना, किसी के बगैर आप कर सकते हैं? भाई आप लोगों को किसी ने मियां में उषा सामने भेजा? मेरा सवाल ही आप समझे, आप सवाल नहीं समझे, मैं कह रहा हूँ कि ये फैक्टर्स आपके इमरान खान के सपोर्टर फैक्टर्स हैं, आपके सपोर्टर हैं, मियां साहब के हल्के से नहीं आए कोई सपोर्टर है ना, लोकल सपोर्टर है ना आपके, वर्कर हैं। तो मियां महमूद रशीद को आप वर्कर भी नहीं मान रहे, सपोर्टर भी नहीं मान रहे, आप खुद फंस गए अपने सवाल में। आपके ससुर का नाम लो भाई, मेरे लिए मेरे कदम पेड़ है, मेरे बड़े हैं, मेरी वालिद की जगह मुकदम है, उनकी सपोर्ट की उनकी सपोर्ट मेरे लिए बड़ी मायने रखती है, मगर मेरे हल्के सियासत से उनके एक सीट पे वो जो भी करेंगे इमरान खान की छतरी के नीचे करेंगे ना, वो मैं आप इसे क्यों डिनाई कर रहे हैं? मैं तो नहीं डिनाई कर रहा, आप कह रहे हैं फीड करूं, आप कह रहे फीड, आपने बार बार एक ही बात सवाल कर रहे हैं, 1/8 की बात कर रहे हैं, आपसे समझना चाह रहा हूं, आप पर्सनल आप कहते हैं कि मेरे हारने से आपका सवाल कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आपका सवाल गलत, ये सही सवाल या गलत आप बताएं, आपका सवाल सिंपल ये बताएं, आपका सवाल गलत है सर, मैं सुधारी सिंपल मैं कह रहा हूँ कि आपके हारने की सूरत में सुसर पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा सियासत दफन हो जाएगी उनकी, नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर वज़ीर-ए-आला का फैसला आप लोगों की जीत हार से होना है, इंपॉर्टेंट तरीन इलेक्शन है, उससे क्या सिर्फ जिमनी होता, सिर्फ चार हल्कों का जिमनी सब क्या लेना, क्यों नहीं तालुक किसका अलग है, इतना बड़ा सियासतदान उसका दामाद हार जाए, क्यों दामाद हार जाए, नहीं हारता किसे क्या हार जाए, आप तो लेके चलेंगे मैंने हारना क्यों, मैं तो बस ये सिनेरियो में इस वक्त 90% पे है और हम जीत रहे हैं, वो किसने कहा? ठीक हो गया, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं आपके ससुर का नाम ले रहा हूँ, आप बुरा बनाते हैं, मैं नहीं बुरा बना, मैं आपका ससुर साहब की सियासत की बात करता हूँ, आप बुरा बनाते हैं, मैं नहीं बुरा बना, आप कहते हैं मेरे ससुर का नाम ना ले, आपका आप कह रहे हैं मेरे ससुर का नाम ना ले, ये पेट हो जाएगा और है, ये फीट हो जाएगा, फीट हो जाएगा, वो हल्का और है, सुसर का नाम लूं तो फीट हो जाएगा, बाबा एक ही बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं फीट है, क्या लफ्ज़ वापस ले, आपने गलत लफ्ज़ वापस ले, मैं आपके सुसर पे बात कर रहा हूँ, एहतराम से कर रहा हूँ, बड़े सियासतदान है वो, उनका नाम लेता हूँ तो आप उसे फीट कहते हैं, शुक्र आप लफ्ज़ वापस ले, आप लड़ रहे हैं मुझे पता नहीं मैं क्यों लड़ूंगा आपसे, पैनिक हो गया मैं क्यों लड़ूंगा, मैं सुसर का नाम लेता हूँ तो आप कहते हैं ये पेट हो गया, बात ये है आप बार बार बात कर रहे हैं मेरे सुसर की, जो क्या सुन लेना यार, आपके ससुर का नाम लेना अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है मैं कह रहा हूँ, तो आपके सियासत देख रहे हैं अच्छी बात नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, आपका सवाल गलत है, आप ससुर को माइनस करके आपका सवाल गलत है, वो सवाल सही करें, हल्के की बात करें अगर है तो, अगर हल्के आखिरी पैगाम आपका क्या, अगर हल्के की बात आपके करनी है PP158 की, प्लीज प्लीज, अगर आपने फैमिली की बात करनी है तो अल्लाह से प्रणाम करें, मैं आपको तसल्ली करके भेजूंगा, फैमिली और हल्का क्या मतलब, सुने अच्छा मेरे को दूसरा ये है, दूसरा ये है कि हमारा यहाँ हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह ये रिस्पांस देख रहे हैं, हम हर जगह जा रहे हैं डोर टू डोर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त रिस्पांस है, ये सीट है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, ना लोटों की ना उन लोगों बात करो ना उन लोगों की जो महंगाई करके झूठ बोल के बाहर भागे और वहीं पे रह रहा है। राणा एहसन साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, राणा साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, क्या अब तक आपकी कैंपेन कहाँ तक पहुंची, क्या हालात देख रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कैंपेन अपनी बूम पे है इस वक्त, और उसके बाद मरियम नवाज के जलसे ने यहाँ समा बांध दिया है, और उसके बाद यहाँ पर कल एक जलसा हुआ है PTI का, तो पहले जबकि वो पहले एक जलसा कर चुके हुए थे, और ये मरियम नवाज के जलसे के जवाब में उनका जलसा किया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको असर जाहिल कर सके है। तो इंशाल्लाह यहाँ पर कारकुनान जो है वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग तकरीबन 4 साल से रबते में हैं, तो हमें लोगों की गम का खुशी का मसले मसाइल का आइडिया है, और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा 17 जुलाई को हम अपना आवाम जो खिदमत का सफ़र है उसको जारी रखेंगे। अकरम उस्मान साहब से हमारी बात हुई तो वो कह रहे थे कि उनके तो वालिद MNA रहे, तो और वो इस हल्के के बेसिकली हैं, और आपके बारे में वो फरमा रहे थे कि आप तो इस हल्के के नहीं हैं, इस पर क्या रिस्पॉन्ड है आपका?
मैं इसी हलके से लास्ट पहले कॉन्टेक्ट किया था और मैं 4 साल से इसी हलके की जो है वो नुमाइंदगी कर रहा हूँ। और उनके वालिद साहब का जहाँ तक मुझे आइडिया है 1986 में या 1990 में वो जमात इस्लामी के जो हमारी कोलेशन हुई थी जो है उसमें MNA रहे थे और वो उन्हें भी उस वक्त नून लीग का ही वोट पड़ा था। तो मैं बस यही इतना ही गुजारिश करना चाहूँगा कि लाइक अपने जो है वो जो आपके जो है हकाइक वो दुरुस्त बयान करनी चाहिए। कुछ वीडियोस हमने देखी, कुछ PTI के लोगों ने भी वीडियोस हमें भेजी जो वाजे बता रही थी कि अलीम खान साहब के लोगों ने, अलीम खान साहब ने जो आपकी कंपेन कर रहे हैं, शुएब सदीकी साहब आपकी जो कंपेन कर रहे हैं, उन्होंने ज़कात ट्रस्ट के बोरे खोल दिए और लोगों तक पहुँचाया, इस तरह की वीडियोज़ आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी, ये क्या हो रहा है? आपको पता है ना कि मैं तो एक कारकुन आदमी और लाइक ये सब और PTI जो है वो एक सोशल मीडिया की जमात है और सोशल मीडिया पे वो स्टंट ऐसे चलाते रहते हैं और उन्होंने सियासत ही सब सोशल मीडिया पे की है, तो सोशल मीडिया पे मेरे भी जो है वो आंखों से गुजरी है ऐसी वीडियो, लेकिन इसमें मेरा कोई भी अमल दखल नहीं है। अलीम खान जाने, वो पहले उनकी पार्टी के थे, अब वो हमारे साथ हैं, तो ये चेक्स जो है पिछले 4 साल से या 5 साल से लोगों को दिए जा रहे हैं और जो है उसमें अब वो अलीम खान पहले कंपेन अलीम खान साहब नहीं कर रहे, शुएब सदीकी साहब के जरिए, और ये सारा नहीं हो रहा? नहीं नहीं, वो हमारी पार्टी का हिस्सा है। वो जो चेक्स की बात कर रहे हैं वो उनकी फाउंडेशन है, वो पिछले 4 साल से दे रहे हैं, वो पर्टिकुलर कोई एक महीने या दो महीने इन दिनों में चेक्स डिस्ट्रीब्यूट करना, तो वो तो आप देखें 100 यूनिट वाली बात आई हमजा साहब की, तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेके वापस करवाई। मैं तो यही तो बात कर रहा हूँ आपसे, जब इलेक्शन का दौर दौड़ा था तो इसी असना में पेट्रोल महंगा हुआ 10 से 14 रुपये, तो लोगों तो PTI ने एक नया स्टंट बना लिया कि यहाँ पे महंगाई होगी, गरीब को मार दिया, और जैसे ही पूरे पंजाब की आवाम को रिलीफ दिया तो पंजाब की आवाम को रिलीफ देने के लिए उन्होंने ये बात 20 हलकों से नथी कर दी, तो ये सिर्फ स्टंट मैन है। वोट किसको देना है? इमरान खान को वोट बाजी किसको? इमरान खान साहब किसको देना है? इमरान खान साहब की देना वोट किसको देना है आपने? आपने माजी 18 में वोट दिया था, 2018 में? हाँ जी। किसको दिया था? हमने दिया था इसको, नहीं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ। अब किसको चांस है? उसी को ही देना। शेर का वोट? जी वोट किसका चाचा? वोट किसका? नवाज शरीफ का वोट शेर को डाल देंगे। आपका वोट इधर का ही है? हाँ जी। 158 158 158 जी। ठीक है बेटे, वोट किसको देना है? पता नहीं, हम मुंडे आएंगे जिधर आखन के उधर ही देना है ना, मुंडे कम्मा कारा ते गाय ने आएंगे ते आते। 2018 में मुंडों के कहने पे किसको वोट दिया था आपने, बेटों के कहने? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਅਬ ਬੱਚੇ ਕਿਆ ਜ਼ਿਹਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਬਤਾਤੇ ਤੋ ਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ। ਸ਼ੇਰ ਕੋਈ ਦੇਂਗੇ? ਸ਼ੇਰ ਕਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੇਂਗੇ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਦੇਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਕੀ ਕਿਆ ਲੱਗਤੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਲੱਗਤੀ ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕਾ ਆਖੇਗੀ, ਬੇਟੀ ਆਖੇਗੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਕਾ। ਆਪਕਾ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਵੋਟ ਕਿਸਕੋ? इमरान खान को। जी अस्सलाम वालेकुम भाजी, खैरियत है? आप किसकी तरफ हैं? हम भी इमरान खान की। इमरान खान की तरफ। चाचा इस तरह नहीं, चाचा बता के जाना पड़ेगा, इस तरह नहीं। वोट किसका? वोट किसी का नहीं। किसी का नहीं? चाचा अंदर घुस गया। शेर को वोट। वोट किसको डालना है? नहीं किन्दे वोट ने वोट अभी ज़िमनी इंतखाब हो रहा है ना, ज़िमनी इंतखाब हो रहा है लाहौर में, किसे देंगे वोट? शेर है, बल्ला है, लबैक है, बाकी पार्टियां भी। चलो जड़ी पार्टी नो आखोगे पा देंगे पुत्र। 2018 में किसे दिया था याद है? इमरान खान को देते हैं। तो अब? अब भी किसे नो पुत्र जितो आखोगे थे दे दे आने होर। अभी फैसला नहीं हुआ जी। भाजी सामने का पीछे ना यार, सामने का भाजी ठीक है, करिए शुक्र। वोट किसका? नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ साहब का। वोट किसको देना है? शेर को वोट। भाजी ठीक है, खैरियत। वोट किसे देना है? वोट कौन हकदार है? आपने बताना है। आपने बताना है। सान तो कोई नहीं लगदा। तरीकन साहब नु भूखे लोकां नु मारन दे ने ते ए दा हकदार कोई भी नहीं बन दे। कोई चक्कर नहीं फिर? नहीं अस तो फिलहाल किसे नु नहीं देना। नोट छोड़ घर ले आया इतने ज्यादा कि भाई वोट दें आप आए, क्या मसला है? आले ने पैदा हुंदा नोट लेके ते ओहो कुछ करन दे ने उन्होंने टेढ़ी अपने खरीदार कोई आ गया तो
ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਮੈਂ ਵੋਟ ਡਾਲਣਾ ਪੜ ਗਿਆ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆਪ 10 ਖਵਾਤੀਨ ਆ ਗਈ ਸਹੇਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੋਟ ਡਾਲਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪ ਨੂਨ ਕੋ ਦੇਂਗੇ ਨਹੀਂ ਨੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਮਰਾਨ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵੋਟ ਜ਼ਾਇਆ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਿੱਲ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੋਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ अब आपको लेके चलते हैं पीपी 167 में वहाँ क्या हालात है वो भी देखें भाई साहब क्या हाल है आपके ठीक है शुक्र है जी अल्लाह की मेहरबानी है वोट किसका भाई साहब वोट देखो जी वोट जो काम अच्छा करे उसको देना चाहिए वोट तो आ गए ना इलेक्शन तो काम अच्छे तो आप एनालिसिस कर ही चुके होंगे अच्छा कौन है देखें जी पहले इमरान साहब आए हैं वो जो कर गए हैं वो भी ठीक कर गए हैं अब ये है ये पता नहीं क्या कर रहे हैं अभी वोट किसका अभी वोट ये देखे कितनी मजर मजर प्यारी प्यारी कहानियां सुना रहे हैं वोट नहीं बता रहे वोट का नून लीग का नून का अच्छा जी बहुत शुक्रिया वोट किसका है साहब वोट किसका नून या तहरीकिन साहब नून नून का वोट किसका भाई तहरीकिन साहब का भाई साहब वोट किसका वोट किसी का भी नहीं भाई साहब क्या हुआ अरे भाई साहब हुआ क्या वो गरीब आदमी मरता पे रोटी नहीं पूरी हो रही किसी ने कुछ लाभ नहीं रहा कोई वेख ही नहीं रहा गरीब वाले किसे नु नहीं पाना अच्छा 18 में किसे दिया था भाई साहब किसी को भी नहीं दिया पहले भी नहीं इस बार इमरान खान को दिया उसने खाना खराब कर दिया नहीं कोई अब क्या हालात है भाई साहब फिर कोई वोट नहीं कोई वोट नहीं 10 बंदे आएंगे मनाए मनुएंगे फिर 100 बंदा भी आएगा कोड़ी को हाथ लगाएंगे कि भाई साहब चलो साहब वोट देना ही नहीं कोई खरीदने खरूदने भी आ जाए भाई खरीदने वोट आते ही है वोट बेचने वाली चीज नहीं है भाई जान नहीं ना बेचने वाली चीज जो बेचते हैं उनके नाम पैगाम दें सख्त पैगाम दें इसीलिए मुल्क का खाना खराब हुआ है जो वोट बेचते हैं ये मैं सही बात बता रहा हूँ आपको इतनी खूबसूरत बात आपने की जो वोट बेचते हैं ना एक शराब की बोतल ले ली नशा ले लिया 5,000 ले लिया वोट डाल दिया स्कूटर ले लिया उसकी ठप्पा लगाते हैं वो बुरी बात है वो बहुत शुक्रिया होगा भाई साहब वोट किसका अस्सलाम वालेकुम वोट भाई साहब किसका नून या तहरीक साहब यार सारे महंगाई कर दे मैं किन्नू वोट दईए 18 में किसे दिया था छोटा सा लग रहा है मुझे कहता वोट बना हुआ है वोट किसका हिसाब पीटीआई का वोट जी वोट किसका भाई पीटीआई वोट किसका भाई वोट बना ही नहीं हुआ वोट भाई वोट किसका वोट किसका भाई असी भी यार किनू वोट देने किसी ने भी नहीं देने क्यों क्यों क्या हुआ महंगाई है नहीं 18 में किसे दिया था जी 18 में किसे दिया था किसी ने भी नहीं दिया तुसी आप आधी मुजरम में देते नहीं वोट आप दिया ही नहीं है आया ही नहीं 13 में किसे दिया था यार ये तो वोट है ही नहीं मेरा वैसे जहाँ भी है पाकिस्तान के तो है ना भाई 13 में इलेक्शन हुआ मुल्क में 18 में हुआ वोट किसे दिया जिमनी आई शरीफ नहीं था दिया था वोट बस ठीक है यही पूछना था वोट दिया करें यार वोट किसको पीटीआई है भाई पीटीआई का वोट वोट किसका सर पीटीआई पीटीआई का वोट जी वोट किसका भाई वोट बने नहीं आपका वोट किसका हिसाब पीटीआई का लेकिन फायदा ही कोई नहीं इलेक्शन ही दो नंबर होने लेकिन वोट पीटीआई का पीटीआई का दो नंबर रिजल्ट कुछ हो रहा है रिजल्ट कुछ हो रहा वोट किसका पीटीआई का कोई ऑप्शन नहीं 70 साल से ऐसे ही हो रहा है ठीक है आपका पॉइंट आ गया भाई साहब वोट किसका पीटीआई का वोट किसका भाई पीटीआई वोट सर किसका वोट हमारा हल्का ही नहीं है हल्का ही नहीं है वोट किसका भाई वोट किसका पीटीआई का वोट जी 167 वफाकी कॉलोनी का सर्वे दिखा रहे हैं क्या प्यारा चश्मा लगाया आपने वोट किसका भाई किसी का भी नहीं क्यों बस हुआ क्या नाराज हो गए नहीं नहीं दिल दुखी हो गया नहीं दुखी कुछ भी नहीं कोई चक्कर नहीं आप क्या कह रहे हैं मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता जब आपका किसका वोट किसको वोट देना पीटीआई को करते पीटीआई को वोट किसका भाई साडा बने आपका बना नहीं वोट किसका भाई बना ही नहीं बना नहीं वोट किसका पीटीआई वोट सर किसका बना ही नहीं है हां बना नहीं बना नहीं वोट किसका सर पीटीआई पीटीआई का भाई साहब सामने क्या भाई साहब वोट किसको देना है किसी को भी नहीं आप नाराज हैं हां जी
दिल दुखी हो गया। बिल्कुल तय कर लिया? हाँ जी। यहाँ आखिरी लम्हे मेरा ख्याल है, कोई फैसला ले लेंगे? नहीं कोई नहीं। 18 में किसे आईसर दिया था? बस छोड़ दें इस बात को। 18 को भी नहीं बता रहे? 18 वाला भी नहीं बता रहे? ये क्या बात? असल में क्या हाल है आपके? वोट बनाए? जी नहीं। जी नहीं, बहुत अच्छा जवाब है। वोट किसका भाई? नून लीग का सर। नून लीग का वोट? वोट सर नून लीग का। वोट भाई किसका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वोट किसका? नून लीग का। नून लीग का वोट भाई किसका? लोटियां नहीं पाना, पीटीआई नू वोट। पीटीआई का वोट जी। वोट किसका भाई? पीटीआई सपोर्टर इंशाल्लाह। वोट बनाए? यस यस कह दिया। वोट भाई किसका? शेर। शेर का वोट? वोट भाई किसका? पीटीआई। वोट आपका नहीं बना हुआ। वोट सर किसका? वोट इंशाल्लाह इमरान खान। खान साहब का। वोट किसका? पीटीआई। पीटीआई का वोट जी। वोट किसका? लबैक। लबैक का वोट जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वोट किसका? वोट शेर का। शेर का वोट जी। वोट कह रहे हैं शेर का। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वोट किसका? वोट किसका? शेर का। शेर का वोट आपका? शेर का। शेर का उस्ताद जी से डरते हुए कह दिया लगता है मुझे। शेर शेर बहुत महंगाई का। नहीं देना? हाँ जी। शेर कह रहा है आपके नहीं देना। इमरान खान को डाल। उसका वोट नहीं है। हम इमरान खान को वापस लाना चाहते हैं। इमरान खान को वापस लाना चाहते जी। वोट कैसे? इमरान खान। वोट वोट इमरान खान। वोट किसका सर? इमरान खान का। वोट इमरान खान। वोट भाई? वोट सारे इमरान खान। राजदारे खत्म है। वोट टीएलपी जिंदाबाद। जिंदाबाद टीएलपी। जिंदाबाद टीएलपी जी। वोट किसका? इमरान खान। समोसे बिक गए सारे? हां सारे उसी। क्या हाल है आपके? वोट किसका भाई बता दिया आपने? सूरत हाल आपके सामने। हाई साहब वोट किसका? इमरान का। वोट इमरान का। अनपढ़ लोग देते हैं, पढ़े लिखे लोग। आपका पीटीआई का हो गया। बहुत शुक्रिया साहब। वोट भाई किसका? वोट पीटीआई का। पीटीआई का वोट भाई किसका? पीटीआई। पीटीआई वोट भाई? पीटीआई का। बाजी वोट किसका बता दे? किसी का। किसी का नहीं? किसी का नहीं। वोट पीटीआई का। पीटीआई का वोट तुम्हारा नहीं है। वोट क्या कह रहे हैं? ऐसी हुकूमत को तो देना ही नहीं चाहिए। देना नहीं चाहिए। वोट किसका? पीटीआई। वोट किसका भाई? नून लीग का। बड़ा जोर लगा के बताया। वोट किसका भाई? पीटीआई। पीटीआई बड़ा सख्त मुकाबला है बाकी कॉलोनी में। वोट भाई पीटीआई का बता दिया आपने। चाचा वोट किसका? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब का वोट जी। वोट किसका? टाइट मुकाबला है वफाकी कॉलोनी में। वोट किसका? इमरान खान। खान साहब का वोट? इमरान खान का। खान साहब का वोट भाई? खान साहब। खान साहब का। आपका वोट? पीटीआई का। पीटीआई का वोट भाईजान? वोट किसका? शेर का। शेर का वोट। ये हालात है जी आपके सामने। वोट किसका भाई? वोट इमरान खान भी पास है मरे पे आगे थां दे आवे ना बैनर बूनर लाई बैठे होंदे ही। इमरान खान वोट देना है। इमरान खान का वोट। वोट किसका भाई? पीटीआई का। पीटीआई का भाई साहब वोट किसको देना है? नून लीग या तरीके इंसाफ? वोट किसको देना है? वोट कैसे किया जाए? वोट वोट किसको देना पूछ रहे हैं साहब? वेला आ गया देखी जाएगी। वेला आ गया बताओ। वो वेला आ गया। वेला आ गया साहब। 17 को इलेक्शन है। 17 को इलेक्शन है। 16 दिन रह गए। मैंने चस नहीं लाए। चस क्या बाबा? शेर के बल्ला। शेर के बल्ला बताओ। ओ कहना शेर नु देना के बल्ले नु? ए कोई पता नहीं मेरा। पता करो पता करो। कला कला ना पे जा। 18 में किसे दिया था? 18 में। हां 18 में किसे दिया था पूछो। 18 नु वोट किनु दिया सी? ओ मैंने जैसा याद मैं 120 वाले भी उम्र 120 साल के। हां मैंने पता लगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सलामत रहे सलामत रहे। देखी जाई ठीक है ठीक है। वोट किसका जी? इंशाल्लाह इमरान खान का। खान साहब का। इमरान खान। खान साहब का। इमरान खान। इमरान खान साहब। वोट चाचा किसका? खान साहब का। खान साहब। खान साहब का वोट भाई? शेर। शेर का वोट भाई। सूरत हाल आपके सामने है वफाकी कॉलोनी। वोट भाई किसका? बल्ले का। बल्ले का वोट। वोट भाई? शेर का जी। शेर का वोट जी। वोट किसका भाई? शेर जी। वोट शेर बबर शेर इंशाल्लाह। सूरत हाल वफाकी कॉलोनी की 167 नजीर चौहान साहब शबीर गुजर साहब दोनों का मुकाबला। वोट भाई किसका? पीटीआई। पीटीआई दोनों। पीटीआई वोट भाई शेर बना हुआ है ना जी? वोट भाई पीटीआई जिंदाबाद। पीटीआई कह रहे। वोट भाई पीटीआई। पीटीआई का वोट। पीपी 170 पीपी यानी 170 में आपको बताते हैं कि कौन सी पार्टी जो है उसका पलड़ा भारी है। वोट किसको देना है? वोट आज तो पत्थर मानो पता ही नहीं कदों पैने कदों नहीं। अभी पता चल जाए तो किसको देंगे?
ਜਿੱਥੇ ਆਗ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਪਕਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਵੈਸੇ ਆਪ ਨੂਨ ਕੋ ਵੋਟ ਡਾਲਦੇ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਕੋ ਡਾਲਦੇ ਹਾਂ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਕੋ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਕੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹੱਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਉਹ ਐਮ ਪੀ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੋਟ ਕਿਸਕਾ ਭਾਈ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਾ 12 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੇ ਅਕੇਲਾ ਵੋਟ ਕਿਸਕਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੋਟ ਭਾਈ ਕਿਸਕਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੋਟ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹ ਇਸਕੇ ਕਹਨੇ ਪੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਸਹੀ ਬਤਾਓ ਹਾਂਜੀ ਇਮਰਾਨ ਵੋਟ ਕਿਸਕਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਆਪਕਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਅਭੀ ਵੋਟ ਕਿਸਕਾ ਵੋਟ पेट्रोल के खर्चे से बच गए आप हाँ जी वोट किसका असल में जब से पेट्रोल और पेट बड़ा हुआ है ना तो साइकिल इस्तेमाल करना चाहिए सेहत के लिए बहुत अच्छा है जेब की सेहत के लिए लबैक वोट किसका वोट इमरान खान इमरान खान वोट किसका भाई वोट इमरान खान का सर वोट किसका साहब वो जो दीन मुस्तफा को तख्त वोट किसका तहरीक लबैक लबैक का वोट भाई किसका सर जी अब तो इमरान खान का अब क्यों क्या हुआ कुछ बेहतर ही था बेहतर थे अच्छा वोट किसका इमरान खान वोट किसका भाई वोट किसका वोट किसको डालेंगे इमरान खान को इमरान खान का वोट किसका वोट किसका है ये कौन क्यों पाने क्या क्या बताएं जरा सोचे जरा शेयर में इमरान खान पहले तो सोचना है सोचना है सोच के फिर 18 में किसे दिया था वोट 18 में ये भी नहीं याद नवाज शरीफ को दिया था अब देखो क्या अरे सोचा था सोच के दस दे सोच लें जरा 10 सेकंड है आपके पास किसी और से पूछ लो ना फिर आऊँ आपके पास 2 घंटे बाद अभी बता दो यार 2 घंटे बाद क्यों बुला रहे शेर इमरान खान हाँ शेर शेर यार शेर शेर का वोट किसका वोट किसका मेरा वोट है ही नहीं मैं वोट है ही नहीं वोट ही नहीं है वोट किसका किसी का नहीं जो काम करेगा उसी का ही होगा फिर किसका किसका भी हो जो काम करेगा उसी का होगा इंशाल्लाह वोट भाई किसका वोट किसका इमरान खान इमरान खान वोट किसका भाई इमरान खान वोट किसका वोट भाई किसका इमरान खान इमरान खान का मजदूर तबका भी इधर बहुत ज्यादा इससे कम अज कम ये पता चलता है कि हवा क्या चल रही है वोट किसका इमरान खान है वोट किसका भाई शेर का शेर का आपका वोट ही नहीं बना वोट किसका शेर का बन जाएगा इंशाल्लाह वोट किसका किसी का नहीं वोट किसका इमरान खान का इमरान खान साहब वोट किसका भाई शेर का क्यों यही बहुत ज्यादा कर दी थी महंगाई करती वोट किसका किसका वोट भी नहीं देना शेर का वोट देंगे शेर का वोट किसका शेर का वोट हाँ शेर का वोट किसका शेर का आपका मैं तो कहना इमरान खान होना चाहिए जो इतना रोला पा रहा है इमरान खान का वोट किसका किसी का भी नहीं किसी का क्यों क्या हुआ दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ ने सानू लोडगड़ी विच ले जाना ओके वोट किसका इमरान खान वोट मेरे भाई पीटीआई का वोट भाई नून लीग का वोट किसका वोट पीटीआई का जी तय कर लिया वोट किसका भाई जी तो क्यों पा दिया आपका वोट है भाई बताएं इमरान खान को पा दिया इमरान खान का वोट पीटीआई जिंदाबाद पीटीआई का वोट किसका शेर का वोट है भाई आपको क्या इतराज है वोट किसका भाई वोट किसका इमरान खान साहब सूरत हाल आपके सामने अमीर चौक की सूरत हाल दिखा रहे हैं हल्का बनता है 170 वोट किसका भाई वोट किसका आपने बताना है वोट आपका भी तो है ना यार उसका भी है अलग वोट है शेर का मुश्तर का वोट है आपका शेर का वोट किसका शेर का वोट शेर भाई वोट किसका शेर का वोट किसका हिसाब पीटीआई का वोट भाई पीटीआई भाई साहब से डरते हुए कह दिया कुछ नहीं कहते मुझे सच बता दो नहीं सर नहीं नहीं कुछ कहेंगे नहीं सर कोई डर किसका वोट पीटीआई का भाई साहब बड़ा डरा के रखा हुआ है वोट किसका वोट नून लीग का वोट नून लीग का वोट भाई किसका वोट शेर का जनाब शेर का वोट यार वोट किसका यार वोट किसका किसी का नहीं है वोट किसका भाई इमरान खान का वोट तो नहीं आपका वोट है कहाँ किसी और इलाके में होगा वोट किसका शेर का वोट भाई किसका
क्या हाल है आपके जी? वोट किसका? ऑब्वियसली इमरान खान का। वोट किसका? इमरान भाई का। इमरान भाई का? वोट किसका पूछ रहा हूँ सूरदयाल जी, आपके वोट किसका भाई? भाई जरा कोई सस्ती चीजें करेगा वोट तो होता ही है। फिर किसने की सस्ती चीजें? कोई भी नहीं कर, दो भी महंगा करी है, दो भी महंगा करी है। किसी का भी नहीं? किसी का भी नहीं। किसी का भी नहीं वोट? वोट किसका भाई? चाचा वोट किसका? वोट किसे को भी नहीं? किसी का भी नहीं। वोट किसका? नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ साहब का। वोट किसका सर? इमरान खान। इमरान खान साहब का। आपको अमीर चौक की सूरत हाल दिखा रहे हैं। 170 वोट किसका? इमरान खान। वो सामने रक्षा खड़ा है, पीटीआई का। वोट किसका? इमरान खान सर। वोट किसका भाई? कबूतरों से भी पूछना पड़ेगा। क्या हाल है आपके? वोट किसका? इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान साहब का। ये हालात हैं। वोट किसका? इंशाल्लाह इमरान खान। वोट इमरान खान साहब का। वोट किसका? वोट किसका नहीं बोल रहे, जाम हो गए। वोट किसका? पीटीआई फ्रॉम पीटीआई। वोट किसका? इमरान खान। आपका वोट किसका? पीटीआई। वोट किसका? पीपल पार्टी। पीपल्स पार्टी का वोट। वोट किसका भाई? पीटीआई। पीटीआई का। वोट किसका? वोट इमरान खान। इमरान खान साहब का। वोट भाई वोट किसका? इमरान खान भाई। इमरान खान भाई। वोट किसका सर? इमरान खान का। आपका सर? इमरान खान साहब का। वोट भाई किसका? वोट किसका? किसी का नहीं। किसी का नहीं। वोट किसी का नहीं। वोट किसका सर? नून लीग का। नून। वोट किसका? नून लीग। नून लीग का। वोट किसका भाई? आईडी कार्ड। आईडी कार्ड बना। आप दोबारा आ गए। वोट किसका? पीटीआई। पीटीआई का। वोट किसका? नून लीग। नून लीग का। वोट किसका भाई? नून लीग। नून लीग का। वोट किसका? वोट किसका? अपना दसो तुसी, पहले अपना दसो। मैं सच्चे दिल ना दसना जेड़ा। मेरा वोट किसका? हां जी आवाम का। आवाम का नहीं, मेरा वोट आवाम का। मेरा वोट आवाम का। बहुत शुक्रिया आपका। वोट किसका? पीटीआई का। पीटीआई का। वोट भाई किसका? तरीके लबाई का। वोट किसका भाई? ये तो पूछ लिए इनसे। सूरत हाल आपके सामने है। 170 वोट किसका? वोट तरीके लबाई का। लबाई का जी। वोट किसका सर? इमरान खान साहब। वोट किसका? पीटीआई। पीटीआई। वोट किसका? पीटीआई। नहीं है वोट। वोट किसका? नून लीग। नून लीग का वोट जी। नून लीग का। वोट भाई किसका? खान साहब। खान साहब। खान साहब का। वोट किसका? इमरान खान। इमरान खान। वोट किसका भाई? वोट जनाब यारी कोई भी आवाम के हक में बेहतर नहीं है मेरे। कोई नहीं। कोई भी कोई नहीं। बेहतर नहीं है। किसी को नहीं देंगे। किसी को नहीं देंगे। जाया कर दूंगा मैं। मान लेंगे आप लोग आएंगे मनाने, आप कहेंगे यार ठीक है। नहीं मानेंगे। मैं भी कहूँ मान नहीं गा। सीवरेज का मशवरा वादा करेंगे, सीवरेज डलवाएंगे आप। जो आवाम को लाल बत्ती के पीछे लगाए थे, चोर 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 सजा भी दो ना कोई। वोट किसका फिर? वोट किसी को नहीं देना, जाया करना है। जाया कर देना। जाया कर देना। अच्छा वोट किसका? वोट किसका? टाइम पे आ गया। टाइम इलेक्शन है 17 को। इलेक्शन तो आ गया फिर इमरान खान साहब का वोट। अच्छा कुछ लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं आप वो सुन रहे हैं। वोट सर अस्सलाम वालेकुम। वोट किसका इस बार? तो लग रहा है इमरान खान को ही देना पड़ेगा। जो लात है देखे अंदर। 18 में किसे दिया था? बंद हुआ था। एक इमरान खान को, एक नवाज शरीफ को। वोट किसका सर? तब्दीली लग रही है। आप कह रहे हैं इमरान खान साहब का। अच्छा जी वोट किसका चाचा? पीटीआई का। पीटीआई का जिंदाबाद इमरान खान। तय कर लिया? हाँ। अच्छा जी वोट किसका सर? अस्सलाम वालेकुम। वोट किसका? पीटीआई का इंशाल्लाह। पीटीआई का वोट। वोट किसका भाई? रिक्शे वाले भाई वोट किसका? ये पेट्रोल महंगा कर रहे हैं उसको वोट देंगे? नहीं। फिर इमरान खान को। इमरान खान। वोट किसका? इमरान खान का। वोट इमरान खान। इमरान खान साहब का वोट। मामला जी आपको दिखा रहे हैं यहाँ के। वोट किसका भाई? इमरान खान। इमरान खान साहब का। 18 में किसे दिया था? किसी को भी नहीं दिया। नाराज हो गए? हाँ जी। दिल दुखी हो गया? दुखी हो गया। क्यों क्यों क्या हुआ? जो भी आता हमारे से खाता है। फिर भी अभी कुछ तय करना पड़ जाए। नहीं देंगे अब। देना ही नहीं किसी को। वोट ही नहीं देना? देना ही नहीं। जाया कर देना? जाया कर देना। सूरत हाल आपके सामने जी। वोट कहते जाया कर देना। वोट भाई किसका? वोट इमरान खान का। इमरान खान का। वोट किसका भाई? इमरान खान का। वोट सर किसका? इमरान खान का। वोट भाई किसका? इमरान खान का। वोट इमरान खान जिंदाबाद। वोट भाई इमरान खान जिंदाबाद। वोट किसका? इमरान खान जिंदाबाद। वोट किसका? इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। सामने वोट किसका? इंसाफ इमरान खान। वोट किसका? इमरान खान। वोट किसका? इमरान खान। वोट दीदा। वोट किसका? इमरान खान। इमरान जी। वोट किसका? इमरान खान। इमरान खान का। वोट किसका? इमरान खान। इमरान खान का। रीजन तो पूछा क्यों सर? वोट किसका? वोट किसका? खान का। इमरान। वोट भाई किसका? खान। इमरान खान का। सूरत हाल आपके सामने। वोट किसका? इमरान खान। इमरान खान साहब का। वोट किसका? वोट किसका?
नून के पीटीआई नून वोट किसका पीटीआई पीटीआई का वोट किसका भाई वोट किसका इमरान खान का इमरान खान वोट किसका भाई इमरान खान का वोट बना हुआ है जी नहीं बना हुआ वोट किसका पीटीआई अच्छा बना हुआ है वोट किसका क्या हाल है वोट किसका भाई वोट नहीं बना हुआ वोट बना है नहीं नहीं बना वोट किसका इमरान खान का इमरान खान का वोट किसका पीटीआई पीटीआई बना है वोट जी कहां लाहौर का ही है लाहौर वोट किसका इमरान खान वालेकुम सलाम वोट जी इमरान खान का वोट किसका भाई वो ब्लैक वोट शेर